हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन के एक और नए वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ टाइम से गेट एस्पिरेंट्स अपनी एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराने के लिए ऑनलाइन आंदोलन कर रहे हैं और अभी उसका कोई प्रमाणिक परिणाम नहीं निकल सका है। इसी प्रकार IIT JEE की भी फेब में एग्ज़ाम है, तो मैं बताता हूँ कि IIT JEE पोस्टपोन क्यों होनी चाहिए और कितने परसेंट चांस है कि IIT JEE पोस्टपोन होगी। गेट तो होना लगभग तय हो चुका है, लेकिन IIT JEE हो सकती है या नहीं, इसका मैं प्रमाण देता हूँ आपको। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक एग्ज़ाम होता है लोक सेवा के लिए, सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम है लोक सेवा PCS मेन परीक्षा, जो होने वाली थी पहले 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच होने वाली थी। अब उसको पोस्टपोन कर दिया गया है यूपी में, और उसको टिल मार्च पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये मार्च में होगी, शायद 21 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में। तो यूपी में चुनाव है और वहाँ पे एग्ज़ाम भी पोस्टपोन की जा रही है, और इसका जो मुख्य रीज़न दिया गया है ना, वो ड्यू टू कोविड केसेस इंक्रीमेंट को दिया गया है। मतलब कोविड केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसके कारण से, कोविड के कारण से इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। तो ये तो है नहीं कि केवल वो ही स्टूडेंट्स हैं जिनके कोविड होगा, जेम वाले स्टूडेंट्स भी कोविड से हो सकते हैं और गेट वाले स्टूडेंट्स को भी कोविड हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, जो जेम एग्ज़ाम है और गेट है, वो पोस्टपोन होना चाहिए, और इसके लिए आप लीगल एक्शन ले सकते हो। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो और ट्विटर पे आप ट्वीट कर सकते हो कि जेम पोस्टपोन होना चाहिए, और ये सही भी है, क्योंकि स्टूडेंट की हेल्थ मेजर चीज़ होती है किसी भी कंट्री के लिए, तो उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो देखिए, न्यूज़ जहाँ पे भी आप देखोगे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रही है, और बहुत सारी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो चुकी है जो फेब में होने वाली थी। तो एक महीने में स्टूडेंट्स का कुछ फ़ायदा ज़्यादा नहीं होने वाला है, बट उनको हेल्थ इश्यूज ना हो इसलिए एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में डालिए, और जहाँ पे भी आपको अपने विचारों को प्रेस करने की इजाज़त मिले वहाँ पे प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो। तो अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में डालिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही और आपको अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।